ओके डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कुछ टॉपिक करें, लाइक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करेंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस करेंगे, एथिक्स इन आईआर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, तो इससे एसोसिएटेड एथिकल इश्यू। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में ये जनरल है, कोई भी जर्नलिस्ट है वो किसी या तो एमएलए या एमपी है, मतलब पॉलिटिशियन का करेगा या ब्यूरोक्रेट का करेगा या कॉर्पोरेट हाउस का करेगा, और इसके चारों ओर सोसाइटी, नेशन, ग्लोब सब है, ठीक है। और एक है इसके चारों ओर जो मीडिया के हैं। तो सबसे पहले हैं कि जिसने, मतलब इसको हम डिफाइन करेंगे क्या होता है इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म। तो इसको मतलब एक्सपोज अनएथ, अगर हम पर्पज़ कहें, अगर एथिकल इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म क्या होती है कि एक्सपोज अनएथिकल, इमोरल एंड इलीगल बिहेवियर बाई ऑफिशियल। ये भाई साहब एक्सपोज कर रहा है अनएथिकल, इमोरल या इलीगल, या इन दोनों को काट सकते हो, एक्सपोज इलीगल बिहेवियर ऑफ, किसका इलीगल बिहेवियर, ऑफिसर है, पॉलिटिशियन है, प्राइवेट सिटीजन है, भाई ये जर्नलिस्ट होता है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, हाँ दूसरा है, आपको जर्नलिज्म के ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जर्नलिज्म के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं जर्नलिज्म की भैया, वो है सर्व द पीपल है, कि उनको न्यूज है, कोई कमेंट है या कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, वो फेयर, एक्यूरेट, अनबायस्ड मैनर से करेगा। फेयर, एक्यूरेट और अनबायस्ड, फेयर, एक्यूरेट और अनबायस्ड मैनर से इन्फॉर्मेशन का डिलीवरी करेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, ये जर्नलिस्ट है और ये जो पर्सन है उसका हुआ है, जिनको इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म हुई। तो सबसे पहले सोचो राइट टू प्राइवेसी, इसकी प्राइवेसी का इरोड हुआ है, ठीक है, इसकी लिबर्टी का इरोड हुआ है। हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि क्यों ये अनएथिकल है। राइट टू प्राइवेसी है, इसकी लिबर्टी का इरोड हुआ है। जैसे किसी भी एथिक्स में सबसे पहले ये इंडिविजुअल पे अप्लाई करो, और अप्लाई टू सेल्फ एंड अप्लाई टू ऑल कहते हैं, अप्लाई टू सेल्फ एंड अप्लाई टू ऑल। तो आप ऑल पे अप्लाई करके देखो इसका, तो कितना अपनी सोसाइटी में क्या स्लिपरी स्लोप होगा, सोसाइटी में सोशल हार्मोनी है वो पूरी खत्म हो जाएगी अगर हम अप्लाई टू ऑल करेंगे। तो मतलब एथिकल पैरामीटर में एक्शन को जज करने के दो तरीके, चार तरीके हैं, धीरे धीरे चलते हैं कि अप्लाई टू सेल्फ एंड अप्लाई टू ऑल करके देखो। तो अप्लाई टू ऑल करके देखोगे तो भी ये नुकसान है। इसके हिसाब से क्या इनका इंटेंशन क्या था, इसका इंटेंशन क्या था, क्या इसका इंटेंशन राइट था कि भाई मेरे को इलीगल इश्यू को एक्सपोज करना है, या इसका इंटेंशन है कि बेनिफिट लेना है, कि अगर मैं इस कॉर्पोरेट हाउस को या इस पॉलिटिशियन को या ब्यूरोक्रेट है इसको एक्सपोज करूँगा तो ये अपने जॉब से मूव हो अवे हो जाएगा, अनदर ब्यूरोक्रेट आएगा, वो हमें सैंड माइंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिला देगा, ठीक है, या वो हमारे जर्नलिज्म है उनको सैंड माइनिंग के अलावा आप ये कह सकते हो वो हमारे जर्नलिस्ट हाउस को ESPN की जगह स्पोर्ट्स पर्स वाले कह देंगे, हमारे जर्नलिस्ट इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, हमें टेस्ट सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट दिला देगा दिखाने का, नहीं समझे हो, ठीक है। तो इसका मोटिव देखो, ठीक है, और इसने कमोडिफिकेशन करने की कोशिश की है। एक तो इस एंगल से सोच सकते हैं, अब हम दूसरे एंगल से सोचते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म को हम एथिकल कह रहे हैं तो मतलब वो अनएथिकल, इमोरल और इलीगल प्रैक्टिसेज हैं उनको एक्सपोज कर रहा है। जैसे तहलका मैगजीन है, उसने मैच फिक्सिंग को किया है, या ब्राइबरी रिलेटेड है, स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, ब्राइबरी रिलेटेड स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, या तहलका मैगजीन वाला स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो कर रहा है उसको हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी को एडोप्ट करना पड़ेगा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी है, वो एडोप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब है कि ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहा है, अगर उसने पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट किया है देन हम उस एक्ट को एथिक्स कहेंगे, ठीक है। तीसरा है उसने एक्यूरेसी है, फेयरनेस किया है, नो बायस, नो बायस नो प्रेजुडिस, तो भी ठीक है, एक्यूरेसी एंड फेयरनेस है, कोई बायस एंड प्रेजुडिस नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वहाँ, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और जो रिपोर्ट है वो इंटीग्रिटी होनी, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर से रिपोर्ट अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्टर्स नहीं, रिपोर्ट में भी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट में इंटीग्रिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस एंड एक्यूरेसी होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को करना चाहिए, कोई प्राइवेट इंटरेस्ट को नहीं करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट है वो प्राइवेट इंटरेस्ट को ओवरराइड करना चाहिए, ठीक है, ओके।
कभी कभी है, अगर फॉल्स रिपोर्ट भी हो गया, जैसे अपना लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल ने, एक स्कूल टीचर है उसने प्रेशराइज करके चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन में लाया था, ऐसे न्यूज़ आई थी, तो वो भी गलत है। तो ये अब हमें पॉलिटिक्स का जो पेपर टू का आंसर लिखना है कि कैसे सोल्व किया जाए इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म को, तो आप तो मतलब जो एथिक्स के आंसर तो लिख दोगे कि हमें सोसाइटी का एटीट्यूड है, उनकी बिलीफ है, जर्नलिज्म को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जर्नलिज्म को वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उनको वैल्यू को लिस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो हमें पेपर टू के भी 3 या 4 पॉइंट हमें डालने पड़ेंगे, सेक्शन 5 कौन से सेफ गार्ड लेना पड़ेगा, अगर कोई फॉल्स रिपोर्टिंग करती है तो आपको जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क का जो रेगुलेशन एक्ट है ना, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको जो बैन ऑन सच मीडिया हाउस है उनको पनिशमेंट करोगे, सफिशेंट ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, ओके। और उसके अलावा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, वो भी इनको ट्रेनिंग देगी, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो ट्रेनिंग देगी, ठीक है। इसके अलावा केबल टेलीविज़न वाला एक्ट है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है, वो भी इसको केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है वो भी रेगुलेट करे, आपको ट्रेनिंग दे दो, आप उनको बैन भी कर सकते हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग भी चला सकते हो, ठीक है। ये सेफ गार्ड है, और तो आप अपने सेफ गार्ड से सोच सकते हो कि भैया हमें बिलीफ को रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है, एटीट्यूड को चेंज करना है, इमोशन को रेगुलेट करना है, हमें उनका सेमिनार ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ठीक है, उनको टाइमली ट्रेनिंग देती रहनी है मैं जर्नलिस्ट को, ठीक है, उनके वैल्यू के बारे में इनकलकेट करता रहना है, ठीक है, और इस टाइप से आपको इस एंगल को सोचना है। लेकिन यहाँ मैन है कि ये जर्नलिस्ट है और ये जिनका पर्सन कर रहा है, तो इनको डिफाइन करना है, आपको डिफाइन कर लोगे इलीगल इमोरल अनएथिकल चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं एक इस एंगल से कि क्यों क्यों ये अनएथिकल है, क्यों राइट टू प्राइवेसी है, सब पे अप्लाई करके देखो, इसकी लिबर्टी को इरोड कर दिया गया है। दूसरा है कि जर्नलिस्ट का इंटेंशन रॉन्ग था, कमोडिफिकेशन कर दिया गया है, इसने फेयर है, एक्यूरेट है, अनबायस नहीं है, बायस मैनर से किया हो तो। उसके बाद में अगर एथिकल है तो पब्लिक इंटरेस्ट है वो प्राइवेट इंटरेस्ट पे करना चाहिए, एक्यूरेसी एंड फेयरनेस है ये होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई इंटीग्रिटी जो रिपोर्ट है इंटीग्रिटी होती है कोई एक्स्ट्रा फैक्टर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो दिस इज हमारा जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया है। उसके बाद में हमारा अगला आया कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है। तो हम कॉर्पोरल पनिशमेंट को डील करें। कॉर्पोरल पनिशमेंट में ये आपके जैसे माता पिता या टीचर हैं जो बच्चों को मारते हैं उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, तो ये चाइल्ड है, ठीक है, इधर है मदर एंड फादर है, इधर है टीचर है, और ओवरऑल सोसाइटी स्कूल जो सब कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले है कि जो मदर एंड फादर टीचर मारते हैं ना वो पुअर इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, नेगेटिव इमोशन के कारण आता है, एंगर होता है ना उसके कारण आता है, कोई पॉजिटिव इमोशन के कारण कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होता। तो नेगेटिव इमोशन के कारण अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट आएगा तो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट या टीचर है उनकी रिस्पेक्ट को लूज कर देगा, तो रिस्पेक्ट को लूज करना भी अनएथिकल है, ठीक है, ओके। वो नोटोरियस हो जाएंगे, रिबेलियन हो जाएंगे, या उनमें वॉयलेंस प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें इनमें टॉलरेंस की वैल्यू भी नहीं है, इसमें भी टॉलरेंस की वैल्यू नहीं है, 2 पॉइंट हो गए ना, टॉलरेंस की वैल्यू नहीं है, नेगेटिव इमोशन के कारण आ रहा है ये, ठीक है, लेक ऑफ पेशेंस है, पेशेंस भी नहीं है दोनों में, लेक ऑफ पेशेंस नहीं है, लेक ऑफ टॉलरेंस है, नेगेटिव इमोशनल इंटेलिजेंस एंगर के कारण आ रहा है, ठीक है, नहीं समझे हो, तो नेगेटिव इमोशनल इंटेलिजेंट के कारण होता है। और उसके बाद में इनका लर्निंग प्रोसेस है वो इम्पेक्ट होगा, क्या होगा, इनका लर्निंग प्रोसेस है वो परमानेंटली स्केयर हो जाएंगे, फियर आ जाएगा, इनकी क्रिएटिविटी है ये वो, क्योंकि मैंने कहा था ना, एक थिंकर ने कहा था कि कोई भी अगर आपका एक्ट है उनको सबमिसिव है, उनको लॉयल है, उनकी क्रिएटिविटी को हार्म करता हो, इलीगल है, तो इनकी क्रिएटिविटी इनको सबमिसिव बना रहा है वो भी है, ठीक है, इनके लर्निंग प्रोसेस को हार्म कर रहा है, रिस्पेक्ट खो देंगे ये, ठीक है, इनमें फियर आ जाएगा, ठीक है, परमानेंटली स्केयर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, ठीक है, इंट्रैक्शन को लूज कर देगा, इंक्वायरी कैपेसिटी को लूज कर देगा, चिल्ड्रन के में तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव इमोशन के कारण आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, नेगेटिव इमोशन के कारण आ रहा है, लेक ऑफ पेशेंस है कि लेक ऑफ पेशेंस है तो भी गलत है, लेक ऑफ टॉलरेंस है तो भी गलत है। तो ये एंगल की बात करनी है हमें कि कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो क्यों अनएथिकल, हमें मदर फादर एंड टीचर के बारे में, और इसमें सोशल इम्पेक्ट क्या होगा कि चाइल्ड है वो आगे जाके मतलब जो सोसाइटी में जिस एक इनोवेटिव बच्चा होना चाहिए उस टाइप से इनोवेटिव या क्रिएटिव नहीं होगा, सबमिसिव रह जाएगा, तो सबमिसिव रह जाएगा तो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। तो इस टाइप से आप 2 या 3 पॉइंट कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंट करते हैं,
ठीक है, मतलब मेरा पर्पज़ है कि आपको कुछ बेसिक याद करवा सकूं मैं, ताकि आप उस चीज़ को यूज करें। जैसे सबसे पहले है कि इसको डेफिनेशन दो। तो इमोशनल इंटेलिजेंट को मेयर एंड स्लोवेरी ने डिफाइन किया, लेकिन मेयर एंड स्लोवेरी नॉट इम्पोर्टेंट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट सिंपल से रहना है एबिलिटी। इमोशनल इंटेलिजेंट ही है, वो एक एबिलिटी है टू परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन, परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन, परसीव एंड एक्सप्रेस करना इमोशन को। उसके बाद में असिमिलेट इमोशन इन थॉट, इमोशन को असिमिलेट करना थॉट में, असिमिलेट परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन, असिमिलेट इमोशन इन थॉट होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग विद इमोशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग विद इमोशन, ओके, एंड रेगुलेट इमोशन ऑफ सेल्फ एंड अदर। बस परसीव एंड एक्सप्रेस है, असिमिलेट करना है, अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग करनी है, रेगुलेट करना है फॉर ए बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज और आउन फीलिंग इन दोज ऑफ अदर फीलिंग, टू मोटिवेट और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। अपनी खुद की फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना और अदर की फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। या इसमें ये भी कह सकते हैं कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, डील इफेक्टिवली, एक्ट पर्पजफुली। तो थिंक रेशनली, ठीक है, डील इफेक्टिवली, एक्ट पर्पजफुली, उसकी कैपेसिटी को भी इमोशनल बिल्ड करता है। तो इस टाइप से तीन या चार है, कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, डील इफेक्टिवली, एक्ट है परसिवली होती है। ठीक है, एक्ट पर्पजफुली, ओके ओके। तो आपको डिसीजन मेकिंग में इमोशन को यूज करना है। तो क्या है एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की क्या क्वालिटी होती है, एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की क्या क्वालिटी होती है आप बताओ। दूसरा पार्ट है क्वालिटी, तो आपको सिंपल सा बताना है कि वो पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, हाई सेल्फ रिगार्ड होते हैं, ठीक है, जबकि अगर सेल्फ अवेयरनेस होता है, ठीक है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, डायनेमिज्म होता है, कॉन्फिडेंस होता है, हैप्पी होता है। इसके बाद में आप इमोशनल इंटेलिजेंट के एस्पेक्ट की बात करोगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंट में सिंपल सिंपल सी बात करना है कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस होता है और एक सेल्फ रेगुलेशन होता है। पहला सेल्फ अवेयरनेस होता है, सेल्फ अपने इमोशन को के बारे में अवेयर होगा और अपने इमोशन को रेगुलेट कर लेगा। उसके बाद में सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन के बाद में उसमें एम्पैथी होती है, मोटिवेट कर पाएगा, और बाद में सोशल स्किल होती है कि सोसाइटी को रेगुलेट कर लेगा, सोशल स्किल है कि सोसाइटी को रेगुलेट कर लेगा। जैसे अगर कोई कास्ट का पटेल वोयलेंस चल रहा है, तो पटेल वोयलेंस में क्या है कि पटेल का ऑफिस है, पटेल का ऑफिसर है, एसपी लगा हुआ है, तो उसको सबसे पहले अपने इमोशन को रेगुलेट करना है कि यार नहीं, ये रिजर्वेशन का इश्यू सही उठा रहे हैं क्यों, क्योंकि मेरी कम्युनिटी बैकवर्ड है। पहले सेल्फ को, बाद में अपनी कम्युनिटी के लोगों को रेगुलेट करना है, अदर्स के इमोशन रेगुलेट करना है, और उसके बाद में उसको बेटर डिसीजन लेना है कि वो पीस को प्रमोट करें, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करें। नहीं समझ रहे हो? तो इस टाइप से होता है, आपको इस टाइप से सोचना है कि किस टाइप से करना है। अब आपका एक एक ग्लोबल एग्जाम्पल है कि इमोशनल इंटेलिजेंट है उसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैसे लिया है। किसी ने वॉयलेंट वार किया, किसी ने नॉन वॉयलेंट वार में यूज किया हिस्ट्री में, वॉयलेंट वार एंड नॉन वॉयलेंट वार। ठीक है, जैसे आपको हिटलर है, हिटलर है उसने एक्सट्रीम नेशनलिज्म है उसके बेस पे नेगेटिव इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज किया है वॉयलेंट वार के लिए। जबकि गांधी जी है उसने नॉन वॉयलेंट वार किया है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ होता है। तो सिंपल हो गया ना, गांधी ने है वो नॉन वॉयलेंट वार किससे प्रमोट किया, और हिटलर है उसने वॉयलेंट वार प्रमोट किया है। क्या अपने सिटीजन है या अपने कंट्री मैन है, उनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशन, तो इसने अपने पॉजिटिव इमोशन को यूज किया, इसने नेगेटिव इमोशन को यूज किया, तो यहाँ बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुई है ना। ओके, तो ये है मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट। यहाँ इस एग्जाम से दिखा रहा है ना कि कोई विर्चुअस पर्सन है कैसे इमोशनल इंटेलिजेंट को यूज करेगा। ओके, तो यहाँ नेगेटिव ट्रेट है, यहाँ पॉजिटिव ट्रेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंट है। और वाई शुड आई हैव इमोशनल इंटेलिजेंट, क्यों होना चाहिए वाई, सिविल सर्वेंट हो या आप दोनों इमोशनल इंटेलिजेंट, आप तो सिविल सर्वेंट हो, आई यू, आपको पूछेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो गुड जजमेंट में प्रमोट करेगा, गुड सोशल रिलेशन प्रमोट करेगा, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा और सक्सेस ऑफ लाइफ बढ़ा देगा। गुड जजमेंट, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, गुड जजमेंट करेगा, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, गुड सोशल रिलेशन करेगा, ठीक है, गुड सोशल रिलेशन, गुड जजमेंट है, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा, सक्सेस के चांस बढ़ा देगा लाइफ में। ठीक है, और इसकी यूटिलिटी है, जैसे वाई है या यूटिलिटी को आप कंसाइड कर सकते हो ना कि भैया क्या यूटिलिटी है, तो 10 या 5 या 7 यूटिलिटी बता दो आप, ऐसे यूटिलिटी बता दो कि
ठीक है, हैप्पीनेस, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आपको एक यूटिलिटी है, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा है कि बेटर वर्क एंड लाइफ बैलेंस है, वो कर पाएगा, ठीक है, मोर एफिशिएंट वर्क कर पाएगा, मोर बेटर स्ट्रेस है, बेटर वर्क लाइफ है, मोर एफिशिएंट कर पाएगा, ठीक है। एम्पैथी होगी, तो एम्पैथी होगी तो वल्नरेबल सेक्शन का, अगर इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हो तो एम्पैथेटिक या कंपेशन होगा तो वल्नरेबल सेक्शन का वेलफेयर करेगा, तो इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करेगा, एम्पैथिक एंगल से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करेगा कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है, नहीं समझे हो। ग्रुप मोटिवेट कर पाएगा लोगों को, मोटिवेट कर पाएगा लोगों को, टीम स्पिरिट बिल्ड कर पाएगा, टीम की प्रोडक्टिविटी बिल्ड कर पाएगा, ठीक है। तो मोटिवेट है, टीम स्पिरिट है, टीम प्रोडक्टिविटी है, वर्क कल्चर है, उसको अच्छी कल्टिवेट कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यूटिलिटी, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कह सकते हो, आपको वर्क एंड लाइफ बैलेंस है, मोर एफिशिएंट है, टीम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएगा, उनको मोटिवेट कर पाएगा, मोर हैप्पीनेस दे पाएगा, गुड वर्क कल्चर प्रमोट कर पाएगा। इधर मैंने बता दिया कि गुड जजमेंट होता है, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, सोशल रिलेशन गया है, सक्सेस ऑफ लाइफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने एक तो गांधी और उनका एग्जाम्पल को कर दिया है। अब देखो कि आप पे कभी कोई फॉल्स एलिगेशन लगाया है किसी पीयर्स ने, सेटलिस्ट हो, कि आपने उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया है, तो तब इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, आपको पीयर्स ने फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया है, मीडिया सेंसेशनलाइज करेगा, उसको मैनेज करना है, वर्क लाइफ बैलेंस है, अपनी फैमिली को मैनेज करना है, ठीक है, उस समय यूज कर सकते हो। कभी कभी अपने जूनियर को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे दो कि भाई ये रोंग कर रहे हो, अगर वो इनएफिशियंट वर्क नहीं कर पा रहा तो आपको उस समय यूज करना है, ठीक है, अपने एथिक्स, अपने इमोशनल इंटेलिजेंट को, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल दे दो कि कोई टीम गेम चल रहा था, मैं उस समय कैप्टन था, उस समय दो मेंबर है, वो फूड पॉइजनिंग है, किसी डिजीज़ है, उनके वायरल हो गए, उनसे अफेक्टेड हो गया, तो मैंने अपनी टीम को इमोशनल इंटेलिजेंट किया कि मोटिवेट किया है कि हमें लूज़ नहीं है, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलना है, अगर हार जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से आपको ये बात करनी है कि किस टाइप से हमें इमोशनल इंटेलिजेंट को अपना रेगुलेट करना है। तो और उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंट को रेगुलेट कैसे करोगे आप? रेगुलेट के लिए सिंपल है, मेडिटेशन करो। लोग कहते हैं कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंट बिल्ड करना है तो आप कैसे करो, आप योगा कर लो, आप मेडिटेशन कर लो, आप म्यूजिक लिसनिंग कर लो, वर्शिप कर लो, प्राणायाम कर लो, ठीक है। तो मेडिटेशन वन ऑफ द वे है, वर्शिप वन ऑफ द वे है, म्यूजिक लिसनिंग करना वन ऑफ द वे है, इंगेज योर सेल्फ कर लो, साइकोलॉजिकल हेल्प ले लो, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर दो, टूरिज्म कर दो, टूरिज्म है, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है, नहीं समझे, साइकोलॉजिकल हेल्प ले लो, आइसोलेट मत रहो, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप अपने आप की इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, नहीं समझे। और इमोशन, इसका अल्टीमेट पर्पज वाई, वाई क्यों है, वाई में आप ये भी सकते हो, थिंक रेशनली, ठीक है, एक्ट पर्पजफुली और डील इफेक्टिवली, जो यहाँ है ना, जो हमने वाई किया था कि गुड जजमेंट में, गुड सोशल रिलेशन में, सक्सेस में, वो एक्ट, थिंक रेशनली प्रमोट करता है, एक्ट है वो आपका प्रोफेशनली या पर्पजफुली करता है, डील एफिशिएंसली करता है। और एक मैंने आपको दिया था आईक्यू और ईक्यू, आईक्यू है आपको रिक्रूट कराता है, ईक्यू है आपको फायर एंड प्रमोट कराता है, ठीक है, या तो आपको प्रमोट करा देगा या आपको जॉब से निकाल देगा। तो लार्जर सक्सेस में आईक्यू ईक्यू दोनों का बैलेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से इमोशनल इंटेलिजेंट को आप डिफाइन कर सकते हो कि शुरू में है कि परसीव एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, असिमिलेट ऑफ इमोशन है, ठीक है, परसीव एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, असिमिलेट ऑफ इमोशन है, अंडरस्टैंड एंड रीजनिंग विद इमोशन है, रेगुलेट विद इमोशन है, ठीक है, अपने के इमोशन को, अदर के इमोशन को रेगुलेट करना, कौन कौन से पॉजिटिव इमोशन है, क्या आस्पेक्ट है, मैंने बताया दिया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी है, मोरल है, सोशल स्किल है, इनका यूज करना है, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंट है। बाद में हमने गांधी वाला एग्जाम्पल और हिटलर वाला एक एग्जाम्पल किया था कि कैसे एक पॉजिटिव इमोशन है वो नॉन वायलेंट वार है, और नेगेटिव इमोशन है वो वायलेंट वार को प्रमोट करता है। उसके एग्जाम्पल तो तीन चार है कि आप पे कभी किसी हरासमेंट का केस लगा दे, उस समय कैसे डील करोगे, ठीक है, तो वो भी इमोशनल इंटेलिजेंट से तो डील करोगे ना, ठीक है, वाई चाहिए। और उसके बाद में यूटिलिटी क्या है, स्ट्रेस है, वर्क लाइफ है, ये आप समझ गए हो। और मेरे विचार से लास्ट में हमने कैसे है वो हम इनकलकेट करेंगे, गुड इमोशनल इंटेलिजेंट है हमारे अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है कि इंटरनेशनल रिलेशन है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक आता है कि इंटरनेशनल रिलेशन है उसको आप कैसे हैंडल करोगे, एथिक्स इन आईआर, एथिक्स इन आईआर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इन आईआर। तो एथिक्स इन आईआर का मैंने सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम दे दिया था कि एथिक्स इन आईआर है उसमें आप, चलो मैं डायग्राम वापस बताता हूँ, पहले मैंने फ्लो चार्ट दिया था आपको एथिक्स इन आईआर, ठीक है, एथिक्स इन
IR, इंटरनेशनल रिलेशन मेकिंग। तो आपको मैंने कहा था कि सोवरनिटी वर्सेस स्टेट है ना, सोवरनिटी ऑफ स्टेट है वर्सेज होगा हमेशा, या तो ह्यूमन राइट है उनका हराम या वुमेन की रिस्पेक्ट है, या डेमोक्रेटिक राइट है, ह्यूमन राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, माइनॉरिटी राइट है, जेंडर राइट है, इनके खिलाफ होगा, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा है कि रियलिज्म पे बेस होगा रादर देन, क्या होगा, रियलिज्म के बेस होगा रादर देन मोरेलिटी, रियलिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन मोरलिटी। और तीसरा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी बेस्ड अलायंस बनेगा, नीड और ग्रीड है उसको दोनों को सेटिस्फिकेशन होगा, जैसे नाटो बनाए तो अपॉर्चुनिटी बेस्ड अलायंस बनेगा, नीड एंड ग्रीड की बात की गई, रियलिज्म रादर देन मोरलिटी, जैसे US जैसे चाइना पाक को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और सोवरनिटी ऑफ स्टेट इसकी फाइट होगी। तो इससे हमेशा क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, पावर बैलेंस प्रायोरिटी होती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फेलर प्रायोरिटी होती है, हायरार्की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले है कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में किस किस अफेयर में जनरली करते हैं, एक तो है वो यूनिवर्सल वैल्यू के नाम पे, चार चीज़ होती हैं, एक है यूनिवर्सल वैल्यू है ना उनके नाम पे करेंगे कि भैया डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए करें, जबकि डेमोक्रेसी यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो यूनिवर्सल वैल्यू के नाम पे करेंगे। दूसरा है कि सिक्योरिटी, कि जो सुपीरियर कंट्री है ना, सुपीरियर कंट्री वो कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन कंट्री के पास में ऐसी मिलिट्री नहीं है, एक है सिक्योरिटी के नाम पे इंटरफेयर करेंगे। एक है फॉरेन असिस्टेंट है, आपको असिस्टेंट देंगे और उस असिस्टेंट है उसका पर्पज़ है आपको लॉयल करने के लिए, ठीक है, फॉरेन असिस्टेंट मनी के असिस्टेंट देंगे, लेकिन कभी कभी ये डेवलप कंट्री करते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री भी करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है वो ग्रांट इन एड ले लेता है वर्ल्ड बैंक से और उस ग्रांट इन एड को और पुअर कंट्री में दे देता है, तो वो लॉयल्टी हो सके, और खुद ग्रांट इन एड लेगा और उस ग्रांट इन एड को और पुअर कंट्री में दे देगा, जबकि आपको जरूरत ही नहीं है, तो आपको क्यों ग्रांट इन एड ले रहे हो। तो ठीक है, ग्रीड है ना कि अदर को लॉयल बनाओ और नीड आपको है नहीं, तो नीड एंड ग्रीड में इम्बेलेंस है। और एक है कि हमें ट्रस्ट बिल्ड हो सके तो हम यूनिवर्सल जैसे IMF है उसमें भाग ले सकें। तो एक ये चार वैल्यू पे सोचो कभी भी आप, एथिकल है कि क्या भैया ये यूनिवर्सल वैल्यू के नाम पे करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के सिक्योरिटी के नाम पे करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट के नाम पे करते हैं, ट्रस्ट के नाम पे करते हैं। इधर तो हमने ये भी एंगल है सोचने का कि सोवरनिटी वर्सेज आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, इसके बाद में डेमोक्रेटिक राइट, माइनॉरिटी राइट है, जेंडर जस्टिस है, उसके बाद में आपको इस एंगल से भी सोचना है कि रियलिज्म रादर देन मोरलिटी है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड अलायंस बनते हैं, तो इस एंगल से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। उसके बाद में पावर बैलेंस के लिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के फेलर के लिए, अगर हम प्रिंसिपल कहें तो उसके तीन प्रिंसिपल हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तीन प्रिंसिपल हैं वो प्रमोट होते हैं। एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, प्रिंसिपल ऑफ HIE हायरार्की, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। तो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की क्या कहता है कि जो टॉप पे होते हैं ना कोई कंट्री, वो रेगुलेट करते हैं अदर के बिहेवियर को, टॉप पे हैं वो अदर के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री है वो टॉप पे हो गया तो उसकी इकोनॉमिक पावर होगी, या उसकी मिलिट्री पावर होगी, या उसकी साइंटिफिक पावर होगी, तो ठीक है, तो इस कि वो टॉप पे वो रेगुलेट करेंगे तो कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा, इस फिलोसॉफी का मतलब ये है। तो यहाँ पावर गेम चल रहा है ना, तो आपको एक प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की रख देना कि टॉप पे होते हैं वो रेगुलेट करते हैं लोअर वाले का बिहेवियर का, और यहाँ है वो बाद में पावर गेम चलता है, और अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना होता है, क्यों वो टॉप पे है इसका कारण आप बता दोगे। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने गुड वर्क किया तो रिवार्ड किया, और अगर आपने सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क किया तो आपको पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है, बट इसको गुड वर्क में आपको रिवार्ड करेंगे और सेल्फ वर्क में आपको पेनल्टी देंगे, लेकिन इसकी अथॉरिटी कोई डिस्क्राइबिंग नहीं है। और एक है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, इसमें क्या होगी, आप एक लार्जर ग्रुप के मेंबर हो तो आपकी आइडेंटिटी रहेगी, लार्जर कम्युनिटी है जैसे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, तो आपकी एक आइडेंटिटी रहेगी, इसलिए आपको करते हैं। तो तीन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ताकि वो कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर सके, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ताकि जो सुपीरियर कंट्री है वो कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सके, और अगर आप गुड वर्क कर रहे हो तो रिवार्ड करें, और अगर सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क कर रहे हो तो पनिश करें, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। अगर गुड वर्क कर रहे हो तो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपकी कंट्री को सहायता नहीं देंगे। तो दैट इज तीन प्रिंसिपल हैं जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में कभी कभी काम आते हैं, ठीक है। तो अब हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एथिक्स है उनके एग्जाम्पल यूज कर लेंगे, जैसे ठीक है, टेररिज्म है,
टेररिज्म की बात कर लो कि टेररिज्म है वो क्या होता है, इसलिए क्यों हो सकता है, मतलब आपको टेररिज्म का, या तो आपकी सेक्युलर वैल्यू है वो नहीं प्रमोट हो रही है, ठीक है, ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, टॉलरेंस है, पीस है, इसके खिलाफ है ना, मेन बात तो ये है ना, ठीक है। और एक अगर टेररिज्म की बात करोगे तो टेररिज्म को जैसे सोल्यूशन दे दो आप, तीन या चार एंगल से सोच दो, कि कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की, गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म को डिफाइन करते हैं, तो आपको इंटर जो एक कन्वेंशन है, ग्लोबल कन्वेंशन, उसको साइन कर दो, जहाँ आप एक डिफाइन कर दो, और जैसे इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ टेररिज्म का, एक ओवरऑल सोल्यूशन बता रहा हूँ, वैसे टेररिज्म दूसरा आप एक डिफाइन कर दो, उसके बाद में अगर प्रोसिक्यूट कर दो अदर कंट्री में, और एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो साइन कर दो आप, ठीक है, उसके बाद में अपने नेशनल लेवल पे आपको क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, पोल नेट है, इनका स्ट्रॉन्ग करो, डिफरेंट एजेंसी है उनको कोऑर्डिनेशन करो, ठीक है, डायलॉग करो, ठीक है, इस टाइप से आप टेररिज्म को आंसर कर सकते हो। उसके बाद में जैसे आपका क्लाइमेट चेंज है, आपका क्लाइमेट चेंज है ना, वो बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल रिलेशन में अनएथिकल इश्यू है, कि क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड आपको एथिक्स पूछ लेगा, कैसे क्लाइमेट चेंज के एथिक्स को डील करोगे, तो क्लाइमेट चेंज में क्या प्रॉब्लम आती है जैसे हम क्लाइमेट चेंज को डील करेंगे, एक तो क्लाइमेट चेंज है वो एथिकल है, लग्जरी वर्सेस सर्वाइवल, लग्जरी वर्सेस सर्वाइवल की लड़ाई है एक है, दूसरी है इक्वलिटी वर्सेस इनइक्वलिटी, कॉमन बट डिफरेंसेस, हिस्टोरिकली जो आपने किया है अब क्या बात कर रहे हो, तो कॉमन बस डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हिस्टोरिकल इक्वलिटी वर्सेस इनइक्वलिटी की बात करें। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है आप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके लिए सेल्फ इंटरेस्ट है वो कम्युनिटी इंटरेस्ट से है, या सेल्फ इंटरेस्ट है वो लार्ज इंटरेस्ट से है, आपके लिए प्रॉफिट मोटिव इंपॉर्टेंट है देन सर्विस मोटिव है, तो दैट इज़ ऑल्सो ठीक है, आप है इसमें पॉलिटिक्स है वो विदाउट प्रिंसिपल खेल रहे हो, पॉलिटिक्स है वो विदाउट प्रिंसिपल खेल रहे हो, आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं चेंज कर रहे हो, तो इसके लिए आप बांधे कौन से एथिकल पोजीशन एडोप्ट करो सोल्यूशन करने के लिए, कि आप ट्रस्टीशिप अप्रोच एडोप्ट करो, ट्रस्टीशिप अप्रोच में मतलब ट्रस्टीशिप, गांधी वाली ट्रस्टीशिप अप्रोच है वो एडोप्ट करो, ऑल स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करो, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, फेयर बेस पे होना चाहिए, आउटकम बेस्ड बजटिंग होनी चाहिए, ठीक है, आउटकम बेस्ड बजटिंग होनी चाहिए, फेयरनेस एंड जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट करना चाहिए और सीबीडीआर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये एथिकल वर्ड लिखने, लग्जरी वर्स सर्वाइवल, इनइक्वलिटी वर्स इक्विलिटी की डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में सर्विस मोटिव है, ठीक है, हम सर्व वासुदेव कुटुंबका के रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए है, कौन कौन से है, वासुदेव कुटुंबका है उसके रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए है, तो इस टाइप से आपको कैसे बनाना है मैंने बता दिया है कि कैसे इशू को बनाओ आप, ठीक है। इसके बाद में आपका डिसआर्मामेंट हो गया, डिसआर्मामेंट हो गया, तो डिसआर्मामेंट में क्या एथिकल इश्यू है, ठीक है, वॉयलेंस है, आप वॉयलेंस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमैनिटी के वेलबींग को नहीं कर रहे हो, लव कोई वैल्यू नहीं है, पीस हारमोनी लव है इन कंपेंसन, ये तो है ही नहीं ना, अब्सेंस ऑफ पीस हारमोनी लव इन कंपेंसन है, ठीक है, कोऑपरेशन को नहीं, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, मतलब हमेशा एथिक्स में कोऑपरेशन है वो कंपटीशन से बड़ा होता है, और हमेशा पीस हारमोनी लव एंड कंपेशन वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना पीस हारमोनी लव एंड कंपेशन है ही नहीं ना, और कंपटीशन मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम है, ड्रग ट्रैफिकिंग में भी जो इन्वॉल्व हैं, तो नए वहाँ म्यूचुअल असिस्टेंट कोऑपरेशन है ही नहीं एक दूसरे के प्रति, ठीक है, नए ह्यूमन की डिग्निटी को किया गया है, और प्रॉफिट मोटिव है वो सर्विस मोटिव से अपर है, ठीक है, वेल्थ है वो विदाउट वर्क के बना रहे हो, ठीक है, तो इस टाइप से आप तीन या चार एथिकल इश्यू पर, ऑर्गेनाइज क्राइम है इनके बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, साउथ चाइना सी है, इकोनॉमी है, इनके बारे में आप सब, जो ग्लोबल एथिकल, साइबर सिक्योरिटी है, इसराइल है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, रिफ्यूजी क्राइसिस से रिलेटेड भी, अब जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस है तो ये रिफ्यूजी है और ये दूसरी कंट्री में जा रहा है, ठीक है, तो रिफ्यूजी आपका एक तो आप ह्यूमनिज्म के खिलाफ है, ठीक है, दूसरा है अपकीप द प्रोमिस नहीं कर रहे हो, अपकीप द प्रोमिस है क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशन चार्टर में किया था कि हम रखेंगे, लेकिन आप अपने प्रोमिस है उसको अपकीप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके खिलाफ भी एथिकल है। उसके बाद में ह्यूमन वैल्यू है, उस उसकी रिस्पेक्ट कर, डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ टू ऑल की बात कर रहे हैं ना, आप वासुदेव कुटुंबका के खिलाफ हो, सर्वधर्म संभवा है उसके खिलाफ हो, तो वासुदेव कुटुंबका के खिलाफ हो एंड सर्वधर्म संभवा, वासुदेव कुटुंबका के खिलाफ हो एंड सर्वधर्म संभवा है उसके खिलाफ हो, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अब रिफ्यूजी में और क्या एंगल से भी सोच सकते हो कि भैया इसकी लिबर्टी को आपने इरोड कर दिया है, इसकी लाइफ है, क्योंकि मैंने एक आपको एक मेरे विचार से दिया था, उसमें बताया था कि नेचुरल एनामोली को रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की भी जिम्मेदारी है, तो आप नेचुरल एनामोली को रिड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है,
इस एंगल से हम अब हम इनको कहेंगे कि भाई नहीं नहीं ये ज़रूरी है, आपको पॉजिटिव किस से करना है कि अगर इससे होगा तो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका डिवीज़न हो जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज का डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉलिटिकल रिफ्यूजी हैं तो वोइलेंस प्रमोट करेगा दलाई लामा वाले केस में, ठीक है, वोइलेंस होगा, वार होगा, ठीक है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है, और उनको लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट है वो देना बड़ा चैलेंज है, लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट देना बड़ा चैलेंज है, उसके बाद लाइवलीहुड चैलेंज है, ठीक है, और अगर इन्वायरमेंट एंड पॉवर्टी रिफ्यूजी करोगे तो हर साल आने लग जाएंगे वो, तो कैसे अपने रिसोर्सेज नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करोगे। तो इस टाइप से भी बात कर सकते हो कि आप किस एंगल से सोचो, मैंने तो आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि कैसे आप उसको नेगेटिव करोगे, कैसे आप पॉजिटिव करोगे। तो इस टाइप से आप कहोगे कि नहीं भाई ये गलत है, नहीं करना चाहिए, लैंड रिसोर्सेज है, ठीक है, लगातार है, वार है, वोलेंस है, ह्यूमन, अगर अगर कहो कि भाई नहीं होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यू है, आपकी प्रोमिस को अपनी आपकी अपनी वासुदेव कुटुंब का सर्व धर्म संभवा के खिलाफ है, उनकी लिबर्टी को इरोड कर रहे हो, तो इस एंगल से भी आप रिफ्यूजी वाले क्वेश्चन में सोच सकते हो। ओके, तो हमारा लास्ट है जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बना बचा है वो है अकाउंटेबिलिटी। एक्चुअली मैं आज काफ़ी धीरे हो गया तो इससे मैं भी चलो देखते हैं। उसके बाद में हमें डील करना है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड इश्यू है वो क्या है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी टू योर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेबिलिटी सिंपल सा है कि आंसरेबिलिटी टू योर डिसीजन मेकिंग, तभी तो अकाउंटेबिलिटी आएगी, अदरवाइज तो आएगी नहीं ना। ठीक है, तो हम डील कर रहे हैं। ओके, ये अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल टू ऑल दोज एक्शन परफॉर्म बाय ए सिविल सर्वेंट होता है। क्यों क्यों वो अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि केयर टेकर ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज होता है, ट्रस्ट बियरर होता है, ठीक है, एक्ट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, केयर टेकर ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज होता है, ट्रस्ट बियरर होता है, एक्ट करता है बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करें तो इसमें चार प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिवनेस, एक ट्रांसपेरेंसी, एक रिस्पॉन्सिवनेस और एक है कंपेशन, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिवनेस और ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, अगर हम स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करें तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पब्लिक पॉलिसी मेकर एंड पब्लिक पॉलिसी जो रिसीवर होते हैं ना वो सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए। पब्लिक पॉलिसी मेकर एंड पब्लिक पॉलिसी रिसीवर है वो सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, दैट अल्टीमेट ट्रांसपेरेंसी है कि इन्फॉर्मेशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो इसको मेजर करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऑटोमेटिक फ्लो नहीं, वो आपको कह रहे हैं कि नहीं भाई इन्फॉर्मेशन दो, आप ऑनलाइन है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, सबके द्वारा दो, ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा है कि इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल टू मास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप केवल सोशल मीडिया के दे दो, तो आप डेली न्यूज़पेपर भी दो, आधे लोग तो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना, तो एक्सेसिबल टू कॉमन मार्थ होना चाहिए। और तीसरा है कि आपको ऑथेंटिक एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो आपको ये है ट्रांसपेरेंसी का मतलब पब्लिक पॉलिसी मेकर एंड पब्लिक पॉलिसी रिसीवर है सेम लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक्सेसिबल टू मास होना चाहिए और ऑटोमेटिक एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब आप क्या हो गया, दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस होता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब है हाउ क्विकली एक सिविल सर्वेंट है वो रिएक्टिव करे। ग्रीवांसेस रिड्रेसल से सिटीजन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो रिएक्टिव होना चाहिए, हाउ क्विकली सिविल सर्वेंट इज रिएक्टिव टू एनी सिचुएशन है, उसको हम रिस्पॉन्सिव कहेंगे, ठीक है, प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव दोनों है वो रिस्पॉन्सिवनेस का आएगा। और कंपेशन का मतलब है कि कंपेशन टुवर्ड्स द वल्नरेबल सेक्शन होना चाहिए, वो भी आपकी आंसरेबिलिटी है, और एक है आंसरेबिलिटी। तो आप आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और कंपेशन, ये तीन एलिमेंट होते हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि वो केयर टेकर ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज होता है, उसके बाद में ट्रस्ट बियरर होता है, एक्ट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में। तो इस टाइप से हम अकाउंटेबिलिटी को डील कर लिया हमने, उसके अलावा हमने आईआर में एथिक्स को डील कर लिया, इसके अलावा हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डील किया है, और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एंड कॉरपोरल पनिशमेंट को डील किया है। ओके।